चलिए फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल आज आपको एक नया चैप्टर कराने जा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री। 11th क्लास के जो सबसे बेहतरीन चैप्टर हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैप्टर हैं, उनमें से एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले आप इस बात को समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो हमने 10th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, तो जरा ध्यान दीजिए हमने क्या पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री में। सर, इट्स 0 डिग्री, इट्स 0, ठीक है जी। फिर हमने क्या पढ़ा सर यहाँ पे, 90, ठीक। इन बिटवीन यहाँ पे ये पढ़ा सर। तो यानी 10th क्लास के अंदर आपको 1/4 पढ़ाया गया, ध्यान दीजिए नाम से। यानी आपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ये साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोट हो, सेक हो, कोसेक हो, सब पढ़ा आपने। तो आप ये बात तो मानते हैं ना कि सर 90 डिग्री के बाद एंगल खत्म हो जाते हैं? तो नहीं मानते आप ये बात, एंगल तो खत्म नहीं होते। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके आगे 180 भी चलेगा अभी, यहाँ पे सर एंगल चलेंगे। 90 जोड़ूंगा सर 270 भी चलेगा, वापिस आऊंगा तो सर 360 भी आएगा। मैं ठीक कह रहा हूं? इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन ये आता है, क्या आगे नहीं सीखना क्या? तो 11th क्लास इतनी मजेदार क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की कि ये आप सब कुछ सीखेंगे। ना केवल आप ये सीखेंगे, आप ओवरलैपिंग भी सीखेंगे। मैंने कहा 360 में 90 जोड़िए सर क्या आएगा, 450। तो यानी इसके बाद दोबारा घूमते जाएंगे तो एक बार 450 आएगा सर। कितना आएगा? 450। अब आप फिर यहां पे 90 जोड़ेंगे सर कितना आएगा, 540। ऐसे जितना मर्जी घुमाते रहिए। और मजा देखिए सर, सर ये कितना स्टार्टिंग है, 0, वापिस चला दिया -90, और वापिस चला दिया। जितना मर्जी पॉजिटिव चलाओ, जितना मर्जी नेगेटिव चलाओ, ये सारे मजे आपको 11th क्लास के अंदर आने वाले। अब देखिए, जो कहते हैं ना पॉजिटिव एटीट्यूड, कहते हैं हम पॉजिटिव एटीट्यूड। अब कोई स्टूडेंट तो यहां पे ऐसा नेगेटिव एटीट्यूड रखेगा कि ले यार 10th में ट्रिग्नोमेट्री ने दुखी कर रखा था 0 से 90 डिग्री में, और अब ये सब कुछ आने जा रहा था ऐसे भी और उल्टा भी। एक दूसरी तो स्टूडेंट क्या सोचेगा, यार अब आएगा असली मजा, ये ट्रिग्नोमेट्री अब तक तो छुपके बैठा था हमारे पास, अभी तो सर इतने पत्ते ओपन हुए थे, अरे बहुत सारे पत्ते हैं अभी तो, ये अब आएगा मजा, अब सारे पत्ते खुलेंगे ट्रिग्नोमेट्री, और अब हमें ढंग से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने को मिलेगी। तो आपको देखने की आप इनमें से कौन सा एस्पेक्ट रखते हो, कि पहला एस्पेक्ट रखते हो या दूसरा एस्पेक्ट रखते हो, सोच आपकी है। जैसा सोचोगे वैसा होगा, आप कहोगे मजा आएगा, आप सब कुछ सीखने को मिलेगा, तो गारंटी दे रहा हूं मजा आएगा। और आप मन बना के बैठोगे परेशान होना है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बात सुन जा रही है? बहुत बढ़िया। फ्रेंड, जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में जो ट्रिग्नोमेट्री थी वो रेक्टेंगल ट्रायंगल तक सीमित थी, क्योंकि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन हैं और 6 के 6 फंक्शन रेक्टेंगल ट्रायंगल से पैदा हुए। मैं ठीक कह रहा हूँ सर? भाई साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, कोस, सेक, कोसेक, सारे के सारे जो फंक्शन है वो आपके रेक्टेंगल ट्रायंगल से पैदा हुए। यानी पहले लिमिटेड थी रेक्टेंगल ट्रायंगल की, लेकिन जैसे 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 हम इसके अंदर डीप में गए, समझते गए, तो इसका एरिया जो है वो काफी वास्ट होता चला गया। इज दैट क्लियर? तो देखिए, अब मैंने कहा जैसे हम मेजर ऑफ एंगल की जब हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे हमें 10th क्लास में केवल पॉजिटिव एंगल देखने को मिलता था, लेकिन अब नेगेटिव भी देखने को मिलेगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव की कहानी जरा समझिए सर। मैंने कहा यहाँ पर हमारी सर ये है इनिशियल साइड, और इनिशियल साइड से ये हो रही है टर्मिनल साइड, यानी पहले हम यहाँ थे, यहाँ से हम कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करके मूव करके हम यहाँ पहुंचे। जब यहाँ से यहाँ इस तरफ हमने मूवमेंट करी, तो आप देखिए सर ये एंगल क्रिएट हो रहा है, एंगल क्रिएट हो रहा है। तो ये क्या एंगल है, ये पॉजिटिव एंगल है। तो पॉजिटिव एंगल आप जरा ध्यान अपने दिमाग में हम क्या रख सकते हैं सर, वॉच, घड़ी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक। तो हमने कहा सर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 12। तो घड़ी हमारी किस तरह से चलती है सर, इस तरह मूवमेंट में करती है, इधर किस तरह चलती है? तो ये घड़ी की तरह चल रही है, उससे अपोजिट चल रही है, अपोजिट चल रही है।
तो इसका मतलब क्या हुआ सर, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज बात करते हैं तो वो हो गया पॉजिटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो क्या हो गया पॉजिटिव एंगल। तो आप अपने 10th क्लास को देखें तो 10th क्लास में सर ने यही तो सीखा है, 0 डिग्री, ठीक है जी, तो हमने 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो आप ऐसे ही तो चले हो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चले हो ना आप, तो यानी कि हो गया पॉजिटिव एंगल। जब नेगेटिव एंगल की बात करते हैं सर तो जरा ध्यान दीजिए, अब यहां आपकी इनिशियल साइड है और ये आपके टर्मिनल साइड है, यानी आप यहां से मूवमेंट करके यहां जा रहे हैं। तो जब आप यहां से यहां मूवमेंट कर रहे हैं तो आप देखिए घड़ी की तरह चल रहे हैं आप, तो इसे बोलते हैं नेगेटिव एंगल। तो जब हम यहां पे क्लॉक वाइज चल रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं सर नेगेटिव एंगल। समझा दी बात, समझते रहिए स्पीड से उतारते रहिए। अब देखिए सर वे ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल जो मैं बता रहा हूं आपको, सर पॉजिटिव डायरेक्शन में मैंने कहा डायरेक्शन जो एंटी क्लॉक वाइज चल रहे हैं, सर ध्यान करिए मैंने क्या लिखा सर, यहाँ 0 डिग्री, सर ये पहुंच गया कहाँ पे 90 डिग्री, इन बिटवीन 45 डिग्री, ऐसे चल रहा है सर ध्यान करिए, 135, 180, 225, 275, 315, 360, और ये कहानी यहाँ पर भी नहीं खत्म होगी। मैंने कहा 90 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये सर, ये 450, 90 जोड़ोगे सर कितना हो जाएगा, 90 जोड़ोगे सर कितना होगा, 90 जोड़ोगे क्या हो जाएगा, एंड सो ऑन इनफाइनाइट चलता रहेगा, ठीक हो गया। अब इस तरह से नेगेटिव में सर 0, अब इस तरह से चलेगा सर मूवमेंट जो रहेगी वो इस तरह से मूवमेंट रहेगी सर, अब इसमें क्या चल रही थी मूवमेंट, ऐसे ऐसे मूवमेंट चल रही थी, इसमें चलेगी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। तो यहाँ पर यह गलत बना दिया, वो दोनों सेम बना दिए, वो एंगल बाद में वो दिखाना था, एक बार इसको बना लो ये भी उड़ जाएगा, इसको बना लो पहले, ऊपर बना लिया इसको, इसको बना लो, इसको बाद में बनाना, ये ऐसे बनाना था, ये गलती से मैं ऐसे नहीं सर वो होगा नहीं ना, इसमें बोर्ड पे काम नहीं करना, इसमें होगा। अब एक नया मजा आने वाला है सर, अब आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। अभी तक आपने जो एंगल सीखा है वो सीखा है डिग्री में, किसमें सीखा है डिग्री में, जैसा टेम्परेचर है सेल्सियस में भी होता है फारेनहाइट में भी होता है, टेम्परेचर उतना ही होता है सर, उसको मेजर करने के दो अलग तरीके हैं। उसी प्रकार से सर जो एंगल की मैं बात करूं तो अभी तक आपने केवल केवल डिग्री में पढ़ा है, अब आप पहली बार लाइफ में जो एंगल है वो रेडियन में पढ़ने वाले हैं, रेडियन मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब रेडियन मेजरमेंट क्या है जरा ध्यान से समझिए, हम मैंने कहा अगर मैं एक सर्कल ले लेता हूं, अगर मैं एक सर्कल ले लेता हूं, ठीक है जी, और मैंने कहा ये थीटा मुझे निकालना है रेडियन में, इसमें निकालना है रेडियन में, तो इसका मेजरमेंट करने का तरीका होगा ये जो आर्क है एल, ये जो आर्क दिख रही है एल और ये आर, यानी एल अपॉन में आर अगर मैं करूंगा तो आई विल गेट द एंगल इन रेडियन, यानी कितनी लेंथ है आर्क की और कितनी लेंथ है आपकी रेडियस की, तो उसमें जो रेशियो निकल कर आएगी वो थीटा आएगा रेडियन में, थीटा किसमें आएगा रेडियन में, बताइए बात सुना रही है, तो लिखे सर थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल अपॉन में आर, बिल्कुल बता रहा हूं सर, बिल्कुल बता रहा हूं, ये देखो ये सर्कल है सर आपका, ठीक है जी, मैंने कहा ये सेंटर हो गया, मान लीजिए ये सेंटर हो गया सर, अब मैंने कहा ये थीटा मुझे चाहिए रेडियन में, तो मैंने कहा ये जो एल आपको दिख रही है दिस एल, ये हो गई आपकी एल आर्क, समझाइए मेरी बात, ये जो हो गया मेरा बेटा ये क्या है आपकी आर रेडियस, तो अब अगर मैं यहां कह रहा हूं थीटा रेडियन, रेडियन एक नाम है नया, वो होगा एल अपॉन में आर, एक फेक फिगर,
अगर मैं कहूं ये आर्क जो है, मान लीजिए मैंने कहा सर ये 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, चलो, और मैंने कहा ये आर जो है ये 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, तो 2/1 दैट विल बी इक्वल्स टू 2। तो यानी आपका थीटा जो आएगा वो अब एब्सोल्यूट टर्म में आएगा, पहले डिग्री में आ रहा था, अब किस में आ रहा है, एब्सोल्यूट टर्म में, 1, 2, 4, 5 इस तरह से एब्सोल्यूट टर्म में आ रहा होगा। अरे बस में तो ये एक नई चीज आप सीखने को मिल रहे हैं, टू एल अपॉन में आर। आप यकीन मानिए इस स्ट्रेटेजी को सीखने के बाद 10th क्लास के कितने सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अब बच्चों की तरह सोल्व हो जाएंगे सिर्फ इस नई स्ट्रेटेजी को सीखने के बाद। बताऊंगा कैसे, अभी इसको समझिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं, रिड्यूस में आया अगेन सर, इसमें फिर कहानियां हो जाएंगी सर। अब वो कहानियां क्या हो जाएंगी सर, इसके में जो भी मैंने आपको समझाया, अगेन इसके अंदर पॉजिटिव रेडियन और नेगेटिव रेडियन दोनों देखने को मिल जाएंगे सर। आप कंसेप्ट वही है सर, पॉजिटिव रेडियन सर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा सर, नेगेटिव रेडियन सर क्लॉकवाइज चलेगा। अरे बस वही सेम कहानी। अब आप देखिए सर, ये आपकी साइड इनिशियल है और ये साइड क्या है आपकी टर्मिनल। तो आप देखिए सर, यहां से ऐसे मूव कर रहे हैं सर, आप मूव कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया सर आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव। ये देखिए सर, आप पहले यहां थे, कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए, पॉजिटिव रेडियन। पहले कहां थे आप सर, यहां थे, कहां पहुंच गए सर, यहां नेगेटिव रेडियन। सर आप इनिशियली कहां थे, यहां मूवमेंट करके सर कहां पहुंच गए आप, यहां क्लॉकवाइज नेगेटिव रेडियन। इज दैट क्लियर। अब मेरी आपसे बात हो चुकी है थीटा रेडियन जो है एल अपॉन में आर। अगर मैंने कह दिया सर, मान लीजिए यहाँ पे जो एल है ये आपका एम से एल, ये 1 दिखा दिया और मैंने कह दिया रेडियस भी 1 है, तो 1/1 रेडियन आ गया थीटा। यहाँ पे बाय चांस ये 2 आ गया और ये 1, 2/1 रेडियन आ गया। यहां देखिए सर, अब मैंने कहा ये रेडियस 1 है और ये भी 1 है, लेकिन थीटा कितना आ गया -1, क्योंकि दैट विल बी क्लॉकवाइज। ऐसे ही सर अगर जो 2 चला गया तभी थीटा रेडियन कितना आ जाएगा -2, बिकॉज नाउ इट इज क्लॉकवाइज। बताइए सर, समझ आई मेरी बात, आसान है तो चीज आसान है, आसान बने रहने देंगे। अब आता है सर रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन मेजरमेंट एंड डिग्री मेजरमेंट। ये हमारा जो रिलेशनशिप है, जो रेडियन मेजरमेंट अभी हमने सीखा और जो डिग्री मेजरमेंट हम पता नहीं कब से सीखते आ रहे हैं, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप तो बनता होगा, तो वो रिलेशनशिप हम सीख रहे हैं। तो आप हेडिंग डालिए, मैं इसका रिलेशनशिप आपको क्लियर कर रहा हूँ। अब मैंने कहा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अक्सर यहां पर रट्टा मार रहे होते हैं, मगअप कर रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सर लर्न करके मिलेगा क्या, हम चीजों को समझने पे जोर डालें। तो मैं आपको समझा रहा हूं सर, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ये किस प्रकार से आया, अब जरा समझते हैं सर इस बात को। सर ये हमें क्लियर पता है 0, 90, 180, 270 वापस घूम के 360 यहीं पे आ जाना है। तो एक बार चलो सैर करके आते हैं सर, एक बार ठीक है जी, और सैर करते हैं सर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं वापस आ जाते हैं सर यहाँ पे, तो कितना होगा 360 डिग्री हो गया। चलिए तो मैंने कहा सर एट थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है जी, 360 डिग्री पे पाई रेडियन क्या होगा जरा लगाते हैं सर, कि मैंने कहा थीटा रेडियन क्या होगा, लेट्स सी। ठीक है जी, थीटा रेडियन मैंने कैसे कहा था, एल अपॉन में आर, ठीक है जी। अब आप सोचिए सर, यहां से उन्हें घूम के वापिस आप आ गए, तो अगर हम दिमाग पर जोर डालें और हम देखें कि भैया हमारी यहां पर L क्या हुई, तो आप मानते हैं यहां से स्टार्ट किया था आपने और 360 पूरा घूम गए, तो आपकी L जो हुई सर्कमफ्रेंस हो गई। समझ में आती है मेरी बात, कोई डाउट किसी को कंफ्यूजन तो नहीं इस मैटर पे, तो यानी कि यह हुआ हमारा सर्कमफ्रेंस अपॉन आर, मैं ठीक कह रहा तो सर्कमफ्रेंस में प्रूव कर चुका हूं आपको, सर्कमफ्रेंस 2πr अपॉन में r यानी कि 2π। बोलिए सर लॉजिक है, लॉजिक है, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2π रेडियन। बताइए सर मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं, 2 से कट रहा है सर, 180 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन। बताइए सर समझ में आया नहीं आया, इज दैट क्लियर। तो इतना मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इतना अब तक आप मेरी बात से समझ गए होंगे कि मैं हमेशा कह रहा हूं कि जहां रट्टे की जरूरत नहीं है वहां रट्टा ना मारे, कंसेप्ट को सीखें।
तो सर पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, पूरा कंप्लीट लॉजिक आपके सामने। चलिए फ्रेंड्स, सर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, वापस घूम के 360, इज दैट क्लियर। चलिए अब आएंगे सर मजे से, सर बिल्कुल इसके सेंटर में सर 45 डिग्री, बिल्कुल इसके सेंटर में क्या होगा सर 45 डिग्री, बात सही कह रहा हूं सर, बिल्कुल इसके सामने सर, ये इसके सेंटर में चला गया, ये इसके सेंटर में चला गया और ये इसके सेंटर में चला गया, राइट। अब दिमाग आपको लगाना है सर, मैंने कहा ये 45, अब आप लिख रहे हैं सर बाकी डिग्री की क्या वैल्यू है, लिखिए सर, अब देखिए एक दूसरे से देखिए, बताइए सर 45 ये कितना हुआ 135, 225, 315, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, ये 45, इसको ध्यान में रखते चल रहा हूं सर, मैं 10th क्लास को ध्यान रखना, इस क्लास को ध्यान में रखते चल रहा हूं मैं 10th क्लास को, पर 45 होता था, 0 होता था, 90 होता था, राइट। 45 से नीचे सर 30 डिग्री, यानी से 15 डिग्री कम, यहां पर कितना होगा सर ये 120, ठीक कह रहे हैं सर, यहां पे कितना होगा 210, सर यहां कितना होगा, गुड हुआ सर, ठीक। अब अगला मैंने क्या ड्रॉ करा यहां 60 डिग्री, ठीक है जी, इससे 15 डिग्री आगे, इससे 15 डिग्री आगे, इससे 15 डिग्री आगे, इससे 15 डिग्री आगे, यही हो गया सर, आ रही बात सुनने। अब चलाओ अपना दिमाग, कितना हुआ सर 150, कितना हुआ सर 40, बहुत बढ़िया। आप सोच भी नहीं सकते आपने ये क्या चीज सीखी है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व होगी सर, रियल में मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मुश्किल है, आ रही बात सुनिए। आप सोचिए विष्णु जी का चक्कर धीरे धीरे चलना शुरू हुआ है और पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी सर कंप्लीट। हाँ जी सर, हुआ सर क्लियर, अब सर मजा आएगा सर। अब ये सारी चीज तो हम पहले कर चुके हैं, बट 10th क्लास में हम यहां से यहां तक कर चुके हैं, इसी पैटर्न पे हमने कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट हमने सीख लिया। ये सारा क्या एंगल है डिग्री, अब क्या सीखना है रेडियन। ये बताइए सर डिग्री में यहां कोई दिक्कत है क्या, कंफ्यूजन है क्या, बात आ रही सुनिए। चलिए जी लेट्स स्टार्ट, रेडियन सर ये बात मैं आपका प्रूफ कर चुका हूं, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। बोलिए सर कोई डाउट है किसी में, ठीक है जी, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन, यूनिटरी मेथड, राइट, ठीक हो गया सर। पहला उठाइए 0 डिग्री किसके इक्वल होगा सर, पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू में 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 रेडियन। बोले सर ठीक कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं, तो इसका तो 0 डिग्री आल्सो इक्वल टू 0 रेडियन। बोले सर बात क्लियर हो गई, हो गया सर, पहला प्लेटफॉर्म मिल गया हमारे को, 0 डिग्री इक्वल टू 0 रेडियन, 0 डिग्री किसके इक्वल आया 0 रेडियन, आ गया सर। अगला क्या निकालोगे 30 डिग्री, अगला क्या निकालेंगे हम 30 डिग्री, तो सर 30 डिग्री पाई अपॉन 180 इंटू में 30 डिग्री पाई बाय 6 रेडियन। बोले सर आया सुनिए, मीन्स दिस इज इक्वल टू पाई बाय 6। बोले सर क्लियर है। अगला सर 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 पाई बाय 180, सॉरी पाई बाय, पाई बाय 180 इनटू में 45 पाई बाय 4। बोलिए सर सुनाती है बात, इज दैट क्लियर,
कितना आया सर ये 45 डिग्री इक्वल्स टू 5/4 रेडियन। बोले सर आई समझे बात, ठीक हो गया, ठीक है जी। अब मुझे स्पीड किसकी देखनी है, आप लोगों की, निकालिए सारे, चलिए निकालिए जल्दी जल्दी निकाल दीजिए सारी। चलिए जी फ्रेंड्स देखते हैं आपने क्या क्या वैल्यू निकाल डाली सर इसकी। हाँ जी सर ये निकल गई 60 डिग्री सर, कितना आया 5/3 11 5/7 5/4 ये वाला ये भी 6 है, ये 4 है, 7/4 11/6 ठीक हो गया 360 2π। बताइए सर समझ आया नहीं आया, ठीक है जी। किसी की कोई वैल्यूज गलत निकली हो, गॉड सर अगर मान लीजिए अगर हम मेट्रो ट्रेन में मूवमेंट कर रहे हैं तो आप देखिए सर वो जितने भी स्टेशन आ रहे हैं वो हर स्टेशन पर रुक रुक के गाड़ी जा रही है, मैं ठीक कह रहा हूं। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर पता चला कल को यहां से मेट्रो स्टेशन सर वैष्णो देवी तक चलेगी दिल्ली से, सपोज टेक एग्जाम्पल, क्या 10 साल बाद हुआ 20 साल बाद हुआ, सपोज करो हो गया। अब मेरा क्वेश्चन आपको वैष्णो देवी जाना है तो क्या आप मेट्रो ट्रेन में जाएंगे, दीप हां कर रहा है नहीं जाएंगे, वो तो हर स्टेशन पर रुकेगी पागल हो जाएंगे, आप मेरी बात को समझ रहे हो। तो आप कहोगे सर बन गई तो होगा क्या, भाई मान लीजिए यहां से वैष्णो देवी तक एक मान लो लाइन बिछ गई जैसे मर्जी करके, तो होगा क्या, हमारे को तो 8-10 स्टॉप तक जाना है, 15 स्टॉप तक जाना है, हमने मेट्रो पकड़ ली, फिर वहां से कुछ स्टॉप से आगे से बंदे किसी को 15 तक जाना तो वहां उसने पकड़ ली, वहां से वहां पकड़ ली, वहां से वहां पकड़ ली, लेकिन अगर हमें यहां से वैष्णो देवी जाना है तो हम कहेंगे भैया माफ करो, फिर हम किसको पकड़ेंगे एक्सप्रेस ट्रेन, इसको पकड़ेंगे एक्सप्रेस ट्रेन। और एक्सप्रेस ट्रेन में तो आजकल बहुत बढ़िया ट्रेन शुरू हो गई सर, वंदे भारत, इस समय गया था सुबह 6 बजे यहां से बैठे, 2 बजे कटरा पहुंचा दिया और क्या जान लोगे, सुबह 6 बजे यहां से चल रहे हो और दोपहर के 2 बजे आप कटरा पहुंच रहे हो, पर माता की कृपा तो पता लगी आधे घंटे में तैयार हो गए, 2 घंटे में आपने जय माता दी स्टार्ट कर दी और क्या जान लोगे बताओ, वैष्णो देवी में सर जहां से वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है उससे वहां कट रहा है, आप अपनी बात समझ रहे हो, जहां 16-16 18-18 घंटे लगते थे और वहां 6 बजे बैठ के अगर आप 2 बजे पहुंच रहे हो 8 घंटे में आपकी जर्नी हो रही है और क्या चाहिए सर, आ रही मेरी बात समझे, जो प्रैक्टिकल चीज है उसको पढ़ाई पे लगाइए सर। जरा देखिए सर हमने स्टार्ट करा था 0 डिग्री, मेट्रो ट्रेन क्या है, मेट्रो ट्रेन हर जगह रुक रही है 30 पे 45 60 90 120 135 150 सब पे रुक रही है सर, आ रही मेरी बात सुनने, एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो रही है सर 0 90 180 270 360, बताइए बात सुनने आ रही है, इज दैट क्लियर, समझा दे। तो ये सारी चीजें जो इतने हम अच्छे तरीके से समझेंगे तो वो सारी चीज हमारे को आगे काम आने वाली है। बोले सर बात सुनने आ रही है, तो ये सब तो हमने सीख लिया, अब हम सीख रहे हैं इन बिटवीन अगर कोई हुआ हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, पास में आ गई है। चलिए अब ये जो आपने सीखा ये सारा ये क्या था बेसिकली, ये था आपका कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन, ये हेडिंग क्या चल रही थी आपकी, कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन, तो ये हेडिंग डाल दीजिए आप कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन। तो सर जो हमने कन्वर्ट करा डिग्री इनटू रेडियन
तो डिग्री टू रेडियन में अभी हम चले सर पैसेंजर ट्रेन से, नहीं मेट्रो ट्रेन से, कि हमने 0, 30, 45, 60, 90 सारे निकाले। अब इसके इन बिटवीन भी क्या एंगल होंगे जरा थोड़ी बहुत उनकी प्रैक्टिस और कर लें और देखते हैं जी आपसे क्या निकालते हैं सर। ठीक है जी, चलिए जी लेट्स स्टार्ट। चलिए फ्रेंड्स हम आगे चल रहे हैं, तो जरा निकालिए सर अब फॉरवर्ड स्टार्ट करिए। आपको निकालना है सर 35 को रेडियन मेजरमेंट में, 35 डिग्री को रेडियन में निकालिए। देखते हैं जी, क्रॉस चेक करते हैं जी कि जो आपने जवाब निकाला ठीक है जी, वो जवाब ठीक है या नहीं है। 35 डिग्री ठीक है जी, 7/36 सर ठीक है सर, ये 7π/36 ठीक है जिसका, ठीक है सर। 220 हम निकाल चुके हैं सर ऑलरेडी, 220 डिग्री हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी ठीक है। -220 सर बिल्कुल जीरोक्स सेम सर, आप ध्यान दीजिए जैसे आपने 220 का निकाला है बिल्कुल सेम -220 का भी वैसे निकलेगा सर। एग्जैक्टली आप कह रहे हैं सर 180 जो है वो पाई रेडियन के इक्वल है, 1 डिग्री इतने के इक्वल है, तो -220 जब -220 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो पहले आंसर आ रहा था आपका वही आंसर आप जो पॉजिटिव में आ रहा था आपका वो आंसर अब नेगेटिव में आ जाएगा। दैट्स इट, यानी माइनस में कोई फर्क नहीं है। बार उतार लीजिए सर, अब सर 270 हम निकाल चुके हैं सर, वैसे 520 निकाल सकते हैं। बताइए सर समझ आ रहा है नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई डाउट कोई कंफ्यूजन, समझ आ रही मेरी बात। ट्रिग्नोमेट्री में ये बहुत जरूरी है कि जब हम आगे चलेंगे तो हमें पीछे का आना चाहिए, अपनी बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में जब मैं इससे आगे कंटिन्यू करूंगा तो मैं ये मान के चलूंगा कि जो मैंने आपको आज तक कराया है वो आपको समझ में आ गया और उसके आगे चलेंगे। तो अगर अगली क्लास में आपको कुछ नहीं समझ में आता तो पहले आप पूछेंगे मेरे से डाउट, उसके बाद हम आगे चलेंगे ठीक है जी। ठीक, चलो ओके।